कहाँ कह रहे हैं पिंटू जी, आप पैसा कहाँ से लाएंगे? बस इतना सा बात, आप उसका चिंता मत कीजिए, हम पैसा बाबूजी से मांग लेंगे। नहीं पिंटू जी, ये हमको ठीक नहीं लगता है। हम समधी जी से पैसा नहीं ले सकते। अरे प्रॉब्लम का है? अरे बिजनेस तो बिजनेस होता है और मुनाफे के लिए किया जाता है, जो भी मुनाफा होगा हम आपस में बांट लेंगे, और बाबूजी वैसे भी बिजनेस में पैसा तो लगाते ही हैं, तो फायदा उनको भी होगा। माँ सही कह रहे हैं। लेकिन बेटा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और ये सब कुछ रवि पे और हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। इसका कोनो जरूरत नहीं है। वैसे हमरा एक बात याद रखना, हम बिजनेस में रिश्तेदारी नहीं करते। बिल्कुल जीजाजी, बिजनेस तो बिजनेस होता है। बहुत बोलने लगी हो, चलो जाओ जाके पढ़ाई करो जी। अरे कृष्णा, हम बातों में तुमको एक जरूरी काम बताना तो भूल गए, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हाँ क्या काम था? हमको तुमसे दो तीन ठो चिट्ठी लिखवाना है। चिट्ठी? वो क्या कहते हैं उसको, इनविटेशन, इनविटेशन जज और गेस्ट लोगों को बुलाने के लिए। तो जरा अच्छे से चिट्ठी लिख के दे दो। क्या हुआ? अरे हम तो भूल ही गए, हमको कचहरी चौक में एक काम है, हम उसको निपटा के आते हैं, तुम ये चिट्ठी लिखो। हाँ जीजा जी का फोन। हाँ जीजा जी बोलिए। हाँ रवि, ठेके का तैयारी कैसा चल रहा है? अभी तो कुछ तैयारी नहीं हुआ है। ओ, ये तो बड़े दुख की बात है, अब ठेके का काम पूरा कैसे होगा? आप चिंता ना करिए, पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा और ये ठेके का काम भी पूरा अच्छी तरह से हो जाएगा। वो कहा है कि पिंटू जी हमारा पार्टनर बनने को तैयार हो गए। ये कब हुआ? अब हमारा मतलब है, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो खामोखा चिंता कर रहे थे। अच्छा फोन रखते हैं। ठीक है जी जी।